सो हे गाइस, कैसे आप लोग? आज हो गई है 5 अक्टूबर एंड एक सब्सक्राइबर हमारे इनकम टैक्स स्टेनोग्राफर के नाम से, उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली थी। 3-4 मेल उन्होंने, कमेंट उन्होंने किए हैं कि 18 नवंबर का शिफ्ट नंबर 3 का जो पेपर है वो चाहते हैं कि मैं उसको अटेम्प्ट करूँ, स्टेनोग्राफर का। सो अगर आप स्टेनोग्राफी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, ठीक है? अगर सीजीएल की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप वो देख लो, लेकिन अगर आप इस पेपर को देखना चाहते हो कि मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, सो देख लो, फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मुझे दिक्कत कहीं नहीं आएगी, मुझे सिर्फ इंग्लिश में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो जो है थोड़ी टायरिंग लगती है, थोड़ा ऐसा होगा कि आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, और मैंने टाइम भी रात का चुना है, सो क्वाइट बैड फॉर मी। सो इंग्लिश, चलो फिर शुरू करते हैं। मे बी वॉइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि लाइब्रेरी में कोई है नहीं, इतना सामान वगैरह भी नहीं है, तो आवाज़ जो है थोड़ी सी गूंज सकती है, ठीक है? सो लेट्स बिगिन। ओके, पहले हम करेंगे इंग्लिश को ही। हिज वर्स्ट मिस्टेक वॉज दैट ही हैड लेफ्ट होम विदाउट इन्फॉर्मिंग एनी ऑफ अस। हिज वर्स्ट मिस्टेक होना चाहिए ना, है ना? हिज वर्स्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है? हिज वर्स्ट मिस्टेक आएगा यहाँ पे। जेब्राज आर कैटेगराइज्ड एज स्टॉकी वाइल्ड हॉर्सेज, दीज मोस्टली डैश ऑन ग्रास, मोस्टली फीड ऑन ग्रास, ठीक है? विद एन डैश आउटलाइन, इफेक्टिव आउटलाइन, इफेक्टिव इफेक्टिव, ठीक है? सो लेट्स गो। यू मस्ट हैव सबमिटेड द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यू मस्ट हैव सबमिटेड द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव बीन सबमिटेड बाई यू, मस्ट हैव बीन सबमिटेड, ठीक है? सो नेक्स्ट, शी हैज गॉट अ, आई थिंक स्क्रीन पे कुछ गड़बड़ है, शी हैज गॉट अ, नहीं ठीक है, शी हैज गॉट अ चार्ली हॉर्स इन हर लेग। चार्ली हॉर्स का मतलब क्या है ना? इन इनर्टनेस, क्रैम्प, बींग वेरी मोबाइल या असिस्ट समवन। चार्ली हॉर्स, चार्ली हॉर्स या तो क्रैम्प हो सकता है या फिर बींग वेरी मोबाइल हो सकता है, दो में से एक आएगा। शी इज गॉट अ चार्ली हॉर्स, तो मैं लगा रहा हूँ बींग वेरी मोबाइल, ओके? बाद में देखेंगे इसका क्या आंसर है। आई हैव टू स्टे इन द नेदरलैंड्स फॉर अ ईयर टिल आई फिनिश माई कोर्स। अच्छा, आई हैव टू स्टे, आई हैव टू स्टे इन द, लेट मी स्टे इन द फॉर अ ईयर टिल आई फिनिश। ओके यार, ये आ गया, अब काफी अच्छे वाला क्वेश्चन आ गया। आई हैव टू स्टे, सो लेट मी स्टे इन द नेदरलैंड्स, ये होगा नहीं? इट इज सजेस्टेड दैट आई स्टे, आई एम ऑब्लाइज टू स्टे, आई मे बी अलाउड टू स्टे। ओके, सो देखते हैं, चलते हैं चौथे के साथ में, बाद में देखते हैं कैसा रहेगा। जेनेट हैज अ पेट डॉग हु आर वेरी, ये गलत है। नियति विल रीच्ड, विल और रीच्ड एक साथ नहीं आएगा। टर्स का एंटोनिम, ओके, टिमिड, एक्साइटेड, अथॉरिटेटिव, पोलाइट। टर्स आई थिंक टिमिड होता हुआ है ना, टर्स, टर्स का एंटोनिम पूछा है ना, टर्स यानी रुखा, पोलाइट यानी के नम्र। टर्स का मतलब यार कुछ ऐसा ही, मेरे को रुखा सा ऐसा लग रहा है, रुखा, सख्त, दृढ़, ऐसा कुछ लग रहा है।
ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। आई सेड टू शर्मा प्लीज गिव मी अ बुक, आई रिक्वेस्टेड शर्मा टू गिव मी हिज बुक। ठीक है। रीना सेड टू रिया आई विल नॉट अकम्पनी यू ऑन दिस ट्रिप, रीना सेड टू रिया दैट शी वुड नॉट, रीना टोल्ड रिया दैट शी वुड नॉट अकम्पनी हर ऑन दैट ट्रिप। ओके। हिज वोफुल आईज बेटरेड हिज फीलिंग, एंटोनी बताना वोफुल यानी एगोनाइज चेयरफुल बिवेलिंग, वोफुल का मतलब होता है शायद धोखेबाजी वाली है ना, प्लंजेंट बिवेलिंग चेयरफुल। सो चलो वोफुल के अगेंस्ट हम जाते हैं चेयरफुल में, गलत हो सकता है ठीक है, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ इस बारे में। I still cherish those little pranks and naughty tricks that we did during our last school days. Naughty tricks, क्या बताना synonym? Nasty, tactful, sinful, impish. I think nasty आएगा है ना? Sinful तो नहीं होगा, sinful तो मतलब naughty का मतलब होता है थोड़ी बहुत छिड़कानी, sinful तो मतलब पाप से भरी है ना, nasty tricks आएगा, pranks and nasty tricks. आई थिंक नेस्टी होना चाहिए ना, सो लेट्स गो। द फिलीपींस इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्किपेलागो, क्या बहुत बताना है इसमें, ओके। फिलीपींस इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्किपेलागो विद ओवर इतना इतना, सेकेंड लार्जेस्ट ठीक तो है मेरे ख्याल से है ना, सेकेंड लार्जर आई थिंक यही है ठीक है ये। वन ऑफ हिज बुक्स वर शॉर्ट लिस्टेड, वर की जगह वाज आएगा, यहाँ पे गलती है। वेजिटेबल्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ए बैलेंस्ड डाइट मस्ट इंक्लूड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स क्या पूछ रहा है इसने, ग्रामेटिकल करेक्ट, बैलेंस्ड डाइट मस्ट इंक्लूड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स आर एन, अच्छा ठीक है, बैलेंस्ड डाइट यही आएगा, अ बैलेंस्ड डाइट आई थिंक सी होना चाहिए ना, सी होना चाहिए आई थिंक। वेजिटेबल्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट, अबैलेंस्ड तो नहीं होता आई थिंक है ना, अबैलेंस्ड डाइट तो नहीं होता, बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए नॉर्मल सा ठीक है, संतुलित आहार। ओके। समबडी सेंट मी अ गिफ्ट ऑन माय एनिवर्सरी, आई वॉज सेंट अ गिफ्ट ऑन माय एनिवर्सरी बाय समवन, ठीक है। After retirement, Jitin Babu took up a position that is unsalaried. इसको बोलते हैं क्या? Honorary? हाँ, honorary position, ठीक है? Non-tenure, tenure, substantive, ये तो कुछ नहीं होता। The administrator will give you a check. A check will be given to you. Will be given to you by the administrator, ठीक है? Okay. A French woman, Jean Louis Calment, lived for 122 years and 164 days. This made her the world's oldest human being at the time of her demise in 19. According to her, she gave the credit for her longevity to routine snacking on chocolate. I think yeah, aayega na? Expiry, durability. लॉन्जिविटी आएगा, लंबी उम्र। बाय द टाइम वी विल रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट, विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट। बाय द टाइम वी विल रीच द स्टेशन, जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे the train will have left.
ये कहीं शेल की वजह से गलत तो नहीं ना? वी शेल रीच द स्टेशन, वी शेल रीच द स्टेशन बाय द टाइम वी शेल रीच। आई थिंक शेल की वजह से गलत हो सकता है, तो ठीक है, नहीं तो इसमें नो एरर आएगा, बाय द टाइम वी शेल रीच द स्टेशन। तो ओके फिर नेक्स्ट चलते हैं। शी आस्ट अदिति वेयर डिड यू हैव लंच यस्टरडे। शी आस्ट अदिति वेयर वेयर शी हैड लंच द प्रीवियस डे। ठीक है। ह्यूमन ब्लिंक देयर आईज डैश टू फ्लश अवे, इम्पल्सिवली या फिर ऑटोमेटिकली। टू फ्लश अवे द स्ट्रीम ऑफ क्लींजिंग टीयर्स प्रोड्यूस्ड बाई ईयर डक्स प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स ऑफ योर आईज, अडल्ट ब्लिंक देयर आईज अबाउट। ओके यही आएगा। लीव द प्रीमाइसिस एट वंस, लीव द प्रीमाइसिस एट वंस। You are told to leave the premises at once. Let the premises be left at once. You are told to leave premises at once. Let the premises be left at once. You are told to let the premises be left at once. Let वाला तो नहीं होना चाहिए ना, let वाला होगा शायद ना। Leave the premises at once. Open the gate. Let the gate be open. चलो इसी को लगाते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं। He said I must stay with her as her condition is critical. He said that he had to stay with her as her condition was critical. Okay. The manager said to her, "Will you accept the revised salary?" The manager asked her, whether she accepted. ठीक है, next चलते हैं। Who teaches you English? By whom were you taught English? Who teaches you English? By whom was English taught to you? ये भी बनेगा यार। Teaches you है ना? अच्छा, are you taught English? ये बनेगा। ये आवाज तब आएगा जब यहाँ पे taught आता, तब B and D दोनों सही बनते। Teaches you English. Okay. The principal said, "What a good performance, Sonu. You have won the competition." The principal applauded that Sonu had performed well and declared that he had won the competition. Surprised Sonu with news of his good performance. No, he applauded that. Sonu had. Okay. Cried out to told Sonu. Okay. Girish said, "We have not gone to Mexico." Girish said that they had not gone to Mexico. Next. She seems to be exhausted after talking for a couple of hours to the public. She seems to be exhausted after talking for a couple of hours to the public. Talking to public, ठीक है। She seems to be exhausted after talking for a couple of hours to the public. She seems to be exhausted. I think यार ये ठीक ही है, इसमें no error आएगा। I think ये no error आएगा। She seems to be exhausted after talking. Next. Eva's business module allowed people's money to grow steadily. To grow steady, yeah, steadily. To grow rapidly, है ना? एक मिनट, grow के साथ में तो ly तो नहीं आता शायद. To grow steady. To grow steady.
स्टडी है ना, आई थिंक स्टडी ली नहीं होगा, स्टडी होगा, ग्रो के साथ नहीं आता वो, ठीक है, ग्रो रैपिड, इट्स ग्रो, लेट इट ग्रो रैपिड, ऐसा कुछ है। आई थिंक स्टडी ली नहीं है, स्टडी ली नहीं आएगा। सो बिसाइड्स द बनियन ट्री इज द पाथ दैट लीड्स टू द फॉरेस्ट, बिसाइड्स बिसाइड बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, बिसाइड दिस, बिसाइड बिसाइड आएगा ना, बिसाइड्स की जगह, बिसाइड द बनियन ट्री इज द पाथ दैट लीड्स टू द फॉरेस्ट। A law cannot be enforced until the president gives his assent to it. Unless president, unless the president gives his assent to it. Delegate का मतलब क्या होता है? Representative, delegate. Simon dashed the contract. Looked into the contact details of renowned pediatricians in the telephone. Looked up that contact. Looked into, जांच करना है ना? Looked after, देखभाल करना, went on. The employer paid him the salary. His salary was paid to him by the employer. ओके, गो थ्रू फायर एंड वाटर, गो थ्रू ऑल टाइप ऑफ हार्डशिप है ना। ओके, ऑन सेवरल ओकेजंस ही डिफेंडेड द कॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मॉडरेशन एंड जस्टिस अगेंस्ट द फैनेटिकल क्रूसेडर्स। अपोजिट बताना है, लिबरल, जेनरस, प्रोफाउंड, इंटॉलरेंट। सो लिबरल होगा, फैनेटिकल यानी कट्टर। टाइम हैज मेड द फेस, ऑफ माय कंट्री स्टार्क, चेस्टेंड एंड सैड। एंड इट रिमेन्स सो in spite of the lipstick that is being put on it by the hand of the spiritual half castes. Okay, so made the face of my country, D A C and B, ठीक है। एंटोनिम बताना एंग्जाइटी का, एंग्जाइटी का क्या होगा? प्लेसिडिटी, ठीक है, प्लेसिडिटी यानी शांति। फेम का एंटोनिम, फेम का मतलब होता है डिस्क्रेस, उल्टा फेम का मतलब होता है इज्जत, ग्लोरी, ठीक है, डिस्क्रेस का मतलब बेइज्जती। हरी सेड टू बॉय, व्हाट्स मैटर, व्हाई आर यू क्राइंग बी चीयरफुल। हरी आस्ट द बॉय व्हाट्स द मैटर, व्हाट द मैटर वाज एंड व्हाई ही वाज क्राइंग। ही आस्ट हिम, इसका मतलब फर्स्ट आएगा, ठीक है ना। द हंटर फेल्ट सो कंपंक्शन आफ्टर किलिंग द टाइगर, इसका क्या सिनोनिम बताना है? फेल्ट नो कंपंक्शन, रिमोर्स या प्रेशर या प्लेजर, यार ये दोनों दोनों रिमोर्स होगा शायद, है ना, आई थिंक रिमोर्स होना चाहिए। हंटर को कोई दया नहीं आई, ऐसा कुछ। ब्रेक फ्रेश, न्यू ग्राउंड, इसका क्या एडियम? टू बिल्ड अ न्यू हाउस, टू डिग अ वेल, टू डू समथिंग दैट वाज नॉट डन बिफोर। ओके, चिकन हार्टेड का मतलब होता है कमजोर दिल वाला, लैक करेज एंड इजिली फ्राइटेंड। ओके, स्टोनहेंज इज अ हिस्टोरिक साइट इन सदर्न इंग्लैंड, इट्स अ रिलीजियस श्राइन, एट फर्स्ट देयर वाज Only a circular mound. It was dug in 1900 BC. The family circle of giant stones was added 400 years later. Wait, itna. Okay. Stones.
स्टोन्स का मतलब क्या? डी लास्ट में आएगा, डी लास्ट में तो ये आएगा एबीसी के ना, डी लास्ट में। ओके सो नेक्स्ट, ऑब्जर्व का सिनोनिम ऑब्जर्व यानी वॉच, ठीक है। अरे यार अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाई, अभी तो आते भी नहीं आए। सारा विल गो टू द सेमिनार फर्स्ट एंड लेटर अटेंड क्लासेस। लेटर लेटर मैं तो लेटर ही आएगा ना, ठीक है। वंस द रिस्पॉन्सेज वर रिसीव्ड द डेटा कलेक्टेड वॉज टेबुलेटेड फॉर एनालिसिस। Once the responses were received, the data collected was tabulated for analysis. Tabulated. Once the responses were received, the data collected was tabulated for analysis. I think no error होना चाहिए। Miscellaneous का क्या synonym बताना है? Miscellaneous होता है अलग अलग, ठीक है, various। Due to this, due to what? ओके सोशल रिफॉर्मर्स हैव ब्रॉट इन सिग्निफिकेंट चेंज इन सोसाइटी ड्यू टू दिस सोशल अप्रोचेस टू हैव चेंज अ लॉट बट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इज येट अवेटेड आफ्टर मेनी आफ्टर इवन आफ्टर सेंचुरीज वी आर नाउ विटनेसिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ लार्जर स्केल सो मे बी दिस सी तो आएगा नहीं, ठीक है, बी आ सकता है, बी बी या डी सी। ये आ सकता है ना, वी आर नाउ विटनेसिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ लार्जर स्केल बट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इज येट अवेटेड आफ्टर मेनी सेंचुरीज। अभी भी इंतजार है, आई थिंक ये आना चाहिए, सो लेट्स गो। अ साइन बोर्ड वॉज हैंगिंग देयर फॉर द ट्रेवलर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। अ साइन बोर्ड हैड वॉज हैंगिंग है ना, क्या करना है इसका, फ्यूचर टेंस बनाना है। सो विल बी हैंगिंग देयर ये बनेगा ना, ओके, फॉर द ट्रेवलर्स इंडिकेटिंग द डायरेक्शंस, ठीक है। The teacher said to me, "You have not followed my instruction properly." The teacher told me that I had not followed her, had not been गलत है, यही आएगा, ठीक है। I said to Hia, "Don't litter." I advised Hia to not litter. I implored Hia to not to litter. गलत है, यही आएगा, I think. डोंट लेटर, ठीक है, आई सेट टू ही डोंट लेटर। आई थिंक ऑर्डर्ड तो नहीं हो सकता है ना, ऑर्डर्ड तो आई थिंक नहीं हो सकता, एडवाइज हो सकता है। ओके लेट्स गो। सुधा मूर्ति डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल इश्यूज इन आर स्टोरीज इन अ ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब आसान सिनोनिम है, इम्प्लिसिट एक्सक्लूसिव कॉम्प्रिहेंसिव प्रेग्नेंट, इसका क्या होगा। आंखों में दिक्कत होने लगती है यार, देखते देखते प्रेग्नेंट कंप्रिहेंसिव इम्प्लिसिट या एक्सक्विजिट। आई थिंक लूसिड का मतलब इम्प्लिसिट ही होना चाहिए ना, इम्प्लिसिट सरल,
पैगमेंट का मेरे को मीनिंग नहीं पता, कम्प्रिहेंसिबल जो समझ में आ सके वो, एक्सक्विजिटिव मुझे लग रहा है कुछ कुछ प्रीमियम टाइप का है ना, इम्प्लिसिट में भी आंसर, समवन हैज ड्रंक ऑल द वाइन इन द ग्लास, ऑल द वाइन इन द ग्लास हैज बीन ड्रंक बाय समवन, ठीक है ना। मिहिर टॉस्ड टीज्ड एंड जोकिंग विद आस्था अंटिल शी स्टार्टेड लाफिंग, टीज्ड एंड जॉक्ड, टीज्ड एंड जॉक्ड, गुलीबल का मतलब होता है क्या, सीधा साधा सरल है ना, जिसको नेव होता है, नेव जिसको बहकाया जा सकता है, नेव या कैंडिड, क्योंकि दोनों के दोनों एक जैसे लग रहे हैं। कैंडिड मतलब सरल साफ, बिना किसी जो है आर्टिफिशियल चीज़ों के। चलो जो भी है, देर इज टू मैनी पीसेस ऑफ ग्लास ऑन द ग्राउंड, देर इज नहीं हो सकता, आर होगा, देर आर टू मैनी पीसेस। एमिली स्टोइक साइलेंस कन्वेड अ ग्रिम पिक्चर इन हर ग्रोइंग स्ट्राइफ विद इन द फैमिली, ऑफ आना चाहिए ना, ऑफ द ग्रोइंग स्ट्राइफ विद इन हर फैमिली, ठीक है। शी वॉन्ट बी, शी वुड नॉट बी वॉचिंग, वॉचिंग होना चाहिए। द लीड अपलॉडेड द कॉमरेड सेइंग दैट दे हैड डन वेरी वेल, द लीडर सेड टू द कॉमरेड्स ब्रावो यू हैव डन वेरी वेल, यू कुड डू, यू हैव डन वेरी वेल, अलास, अलास तो नहीं आएगा जब अपलॉडेड है तो, ठीक है। द यंग एथलीट बोर द पाम इन ऑलमोस्ट ऑल द इवेंट्स, बोर द पाम का मतलब है वॉन, जीतना। द पोएट कंपेयर द लवली यंग वुमेन विद अ ब्यूटिफुल रोज, कंपेयर्ड टू होना चाहिए ना, टू अ ब्यूटिफुल रोज। अर्लियर आई यूज टू निट वेरी फास्ट बट ड्यू टू ओल्ड एज माई फिंगर्स आर नॉट सो निम्बल, निम्बल का क्या सिनोनिम, आर नॉट सो एजाइल, एजाइल उतनी तेज नहीं है। माइक डिसाइडेड टू स्किप वर्क, वर्क वॉज डिसाइडेड, डिसाइडेड टू, ठीक है ना, वर्क वॉज डिसाइडेड टू बी स्किप्ड बाई माइक, ठीक है। आई एम बींग टॉर्चर्ड बाई यू, यू आर टॉर्चरिंग मी, ठीक है ना। द कुरियर सर्विस हैड डिलीवर्ड द पार्सल, द पार्सल हैड बीन डिलीवर्ड, ठीक है, बाय द कुरियर सर्विस। द क्लेवोयंट विच इज टोल्ड मैकबेथ इज फ्यूचर, फ्यूचर प्रोफेटिक मेलवोलेंट हीडियस या बायंट, क्लेवोलेंट, क्लेवोयंट का मतलब क्या होता है भाई, क्लेवोयंट प्रोफेट, प्रोफेटिक मेलवोलेंट हीडियस बायंट, मेरे को पहले दो में से एक लग रहा है, ठीक है। क्लेवोयंट विच इज मेलवोलेंट प्रोफेटिक, प्रोफेट प्रोफेटिक, क्लेवोलेंट मेलवोलेंट लगाऊं या प्रोफेटिक लगाऊं यार, चलो प्रोफेटिक लगाते हैं, देखी जाएगी। अ फेयरवेल पार्टी फॉर मी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑफिस कोलीग्स, फेयरवेल पार्टी माय ऑफिस कोलीग्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ना, हैज ऑर्गेनाइज्ड, हैव ऑर्गेनाइज्ड अ फेयरवेल पार्टी फॉर मी, ओके। आई एट द एग यस्टरडे फॉर डिनर, फॉर माय डिनर, आई एट द एग यस्टरडे फॉर माय डिनर, व्हाट्स इन डिनर, व्हाट्स फॉर डिनर, आई एट द एग
यस्टरडे इन माई डिनर होना चाहिए ना, इन माई डिनर या इन डिनर। आई एट द एग यस्टरडे, फोर नहीं आना चाहिए ना, फोर की जगह इन होना चाहिए मेरे ख्याल से। सो देखते हैं माई डिनर में गलती है या फोर में गलती है। अरे यार ये आ गए अभी, चलो 30 बचते हैं, देखेंगे इनको भी। एंड एज अ डाइवर्स नेशन विद मैनी डिफरेंट कल्चर्स, ऑल दो देर आर सम ईटिंग हैबिट्स दैट आर कंसिडर्ड स्टेपल्स ऑफ इंडियन क्यूजीन, ओके सो दोस्त था बाहर लाइब्रेरी के, उसने गेट खोला था। क्यूजीन डिफर अक्रॉस, नो दीज हैबिट्स मे नॉट बी प्रैक्टिस्ड बाय ऑल द कल्चर्स ऑफ इंडिया। क्यूजीन डिफर्स अक्रॉस इंडियाज डाइवर्स रीजन्स एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन लोकल कल्चर, geographical location, proximity to sea, desert or mountains and economies. It also varies seasonally depending on which fruits and vegetables are ripe. Also, Middle Eastern and Central Asian influences have occurred on North Asian cuisine from the years of Mughal rule. Indian cuisine is still evolving as a result of the nation's cultural interaction with other societies. Historically, incidents such as foreign invasions, trade relations, and colonialism have played a role in introducing certain foods to the country. For instance, potato, a staple of the diet in some regions of India, was brought to India by the Portuguese, who also introduced chilies and breadfruit. Indian cuisine has shaped the history of international relations. The spice trade between India and Europe was the primary catalyst for Europe's age of discovery. Spices were brought from India and traded around Europe and Asia. Indian cuisine has influenced other cuisines across the world, especially those from Europe. The Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa, East Asia and the British Isles, Fiji, and the Caribbean. Indian food is rich in flavor, however, spices do more than flavor a dish. They are also used to cool and warm the body during hot or cold weather. Yogurt is commonly used to flavor dishes or as a sauce to chill spicy dishes. Many Indian dishes are cooked in vegetable oil, but peanut oil is popular in northern and western India, mustard oil in eastern India, and coconut oil along the western coast, especially in Kerala. Jingali Sisham oil is common in the south since it imparts a fragrant nutty aroma in recent decades. Sunflower, safflower, cottonseed and soybean oils have become popular across India. Butter-based ghee or Deshi ghee is also frequently, though less than in the past. Based on the questions. Indian food is rich in flavor. Okay, so next. इसको यहाँ करना पड़ेगा। According to the passage, what has Middle Eastern and Central Asian influenced in India? क्या? Northern Indian cuisines. Which of the following statement is not true? Desi ghee is used frequently, though less in the past. Okay. Yogurt is commonly used to flavor dishes. ठीक है, potato was brought to India by the French. ये गलत है. By the Portuguese answer आएगा. Okay. अरे यार ये पता नहीं. How was the Indian cuisine able to influence other cuisines across the world? Introduce the coconut idea to coconut oil to people across the globe. गलत है. Spices were brought from India and traded around Europe and Asia. ये गलत है. मतलब ये ठीक है, गलत बोल रहा हूँ इसको। इंडियंस लिविंग अक्रॉस द ग्लोब प्रिपेयर्ड इंडियन फूड फॉर लोकल्स, इंट्रोड्यूस चिली फूड टू द वर्ल्ड। नहीं, यही है ना, यही होना चाहिए। सो नेक्स्ट, कैटलिस्ट का सिनोनिम एक्टिवेटर होता है, उसके बाद नेक्स्ट। According to the passage, which of the following are the two main reasons of spices becoming endangered? अच्छा, दूसरा आ गया क्या? Species था ये, मुझे लगा spices वाला ही है।
ओके एंड एंडेजर्ड स्पीसीज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज थ्रेटन्ड बाय एक्सटिंक्शन. स्पीसीज बिकम एंडेंजर्ड फॉर टू मेन रीजंस, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. ठीक है, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. ठीक है. पैसेज, डेवलपमेंट फॉर हाउसिंग इंडस्ट्री एंड इंक्रीज द हैबिटेट ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिजम्स. ये गलत है, घटाया होगा इसने तो. रेड्यूसेस, ठीक है ना, तो यहाँ पे इंक्रीजेस है, ये गलत है. लॉस ऑफ हैबिटेट कैन हैपन नेचुरली. ठीक है, आई डोंट थिंक सो. येरा येरा येरा, हैबिटेट कैन हैपन नेचुरली. ठीक है, हो सकता है, कोई बात नहीं. ये है इसका मतलब तो करेक्ट. ठीक है ना, ओके. एंटोनिम इज द वर्ड नेटिव यूज्ड. नेटिव का क्या होता है? एग्जॉटिक. एंटोनिम, इसको तो वैसे भी पता है मेरे को. एग्जॉटिक का मतलब क्या हो गया भाई? ओके, मुझे लगा कहीं वाईफाई ही चला गया. अब कर लेते हैं इसको फुल स्क्रीन. अकॉर्डिंग टू द पैसेज द फ्लोइंग इज लाइकली रीजनिंग द डायनासोर बिकम एंडेंजर्ड एंड देन एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट यहाँ पे था डायनासोर वाला. डायनासोर फॉर इंस्टेंस लॉस्ट दे हैबिटेट अबाउट 65 मिलियन ईयर्स, द ड्राइन चेंज्ड वेरी क्विकली. एस्टेरॉयड स्ट्राइकिंग द अर्थ. ठीक है ना, तो ये था. कैनोपी द एमेजॉन रेन फॉरेस्ट, डू नॉट लिव इन द कैनोपी. ओके, कौन नहीं रहता? मंकी, क्रोकोडाइल, वाइन्स, बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज, मंकीज एंड क्रोकोडाइल्स एंड वाइन्स. प्लांट्स सच एज वाइन्स, फंजाई. ठीक है, बटरफ्लाइज, क्रोकोडाइल्स नहीं रहते इसका मतलब. ओके, सो नेक्स्ट. एजुकेशनल फिलोसफी इज अ डैश दैट डील्स इज अ कॉइनेज. एजुकेशनल फिलोसफी इज अ टर्म, इज अ वर्ड दैट डील्स विद टर्म या कॉइनेज. टर्म या कॉइनेज में से एक आएगा. With the analysis of education's objective procedure, essence and ideology, it is a test of philosophy and an education offshoot, education defined teaching and so on. Coinage. So, coinage ho sakta hai kya? Educational philosophy, coinage that deals with. Term kar lete hain, as a term that deals with. Term ya coinage mein se ek aayega, ye mere ko bataya. Maybe. So, let's go. यार क्या हो रहा है ये? इट इज डैश अ फिलोसफी एंड बोथ अ फिलोसफी. ओके, थ्री में डिफाइंड एज द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ स्पेशलाइज्ड डैश एज वेल एज द स्पेशलाइज्ड. एजुकेशन इज डिफाइंड एज द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स. आई थिंक स्किल्स या कोड्स या नॉर्म्स. स्पेशलाइज नॉर्म्स, स्पेशलाइज स्किल्स. यार ये थोड़ा टफ है भाई, ये टफ है थोड़ा सा. नॉर्म्स, कोड्स, स्किल्स क्या आएगा? एज वेल एज द इंस्टिलिंग ऑफ अवेयरनेस, जजमेंट एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड डैश अ मच ब्रॉडर स्पेक्ट्रम डैश.
एंड एनकम्पासेस, एनकम्पासेस होना चाहिए ना, या सिग्नल्स द स्पेक्ट्रम, थोड़ा सा है यार ये मुश्किल। कम्युनिकेट विद, कम्युनिकेट दैट वी फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट विद, सो लेट्स गो। G20 और ग्रुप ऑफ 20 इज एन इंटरनेशनल फोरम विच कंप्राइजेस, ठीक है, 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। इट फोकसेस ऑन सिग्निफिकेंट ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल डैश के स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड डैश डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना। In 1919, G20 was formed in dash to various global economy was formed in response to na the G20 dash itself, the principal arena designated itself the principal arena for international economic, okay, I think designated aayega। अब रह गया कुल 10। नंबर 1, कैल्शियम सप्लीमेंट्स कॉमनली डैश टू वुमेन, कॉमनली टेकन बाय वुमेन आर हेल्पफुल, हेल्पफुल इन वार्डिंग ऑफ, ठीक है ना, मोर देन जस्ट अ फ्यू ग्राम्स अ डे, मोर देन जस्ट अ फ्यू ग्राम्स अ डे डैश कैन लीड टू, मोर देन जस्ट अ फ्यू ग्राम्स अ डे हाउएवर कैन लीड टू स्टमक अपसेट एंड इवन किडनी स्टोन्स, ओके ठीक है। मायोसिन प्रूवन इन रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कैन बी डेंजरस in large doses to those who suffer from heart problem, in huge dose, in big doses, in large dose, है ना, large होना चाहिए ना, in large doses, so I think ये आएगा। पहले तो मुझे पैर हिलाने बंद करने पड़ेंगे, मैं continuously पैर हिला रहा हूँ। butterflies dash body parts, butterflies have three body parts, the head, thorax and abdomen, they have four wings and six legs attached to the thorax, the colors and patterns of a butterfly on a butterfly's wings, okay, wings dash them, help them to blend in with its surroundings, blend in, protect it from its predators, proboscis helps dash from the flowers, to gulp from the flowers, है ना, to gulp करती है ना, gulp, to drink from the flowers, टू गोबल, टू ईट, टू गल्प, आई थिंक गल्प होता है पानी को जैसे निकलना, जैसे हम बोलते हैं ना कि, ठीक है, गल्प होता है, आई थिंक गल्प होता है, टू गल्प फ्रॉम द फ्लावर, टू ड्रिंक भी हो सकता है, लेकिन यार मुझे गल्प में थोड़ी ज़्यादा सेंस लग रही है, सो आई एम गोइंग विद दिस नेक्स्ट। चलो इंग्लिश हो गई खत्म, अब कोई टेंशन है नहीं इतनी खास, अब तो ये मान लो कि आधे घंटे में पेपर ख़त्म कर देंगे, ठीक है, पहले जीके करते हैं। Who among the following won the Arjun Award 2021 Para Archery? Para Archery में कौन? भाविना पटेल, हरविंदर सिंह, निशाद कुमार, चलो भाविना पटेल के साथ चलते हैं। Citadel and Great Bath can be traced to which site? Citadel and Great Bath, मोहनजोदड़ो में था है ना? Dash is the largest slum in Asia. Dharavi. Field hockey used to be
रीस्टार्टेड बाय रोलिन, व्हेन वाज रोलिन रिप्लेस्ड बाय पुशिन, इसका कोई आइडिया नहीं। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट एक्ट, इतना इतना फाइन ऑफ एटलीस्ट। इसका भी कोई आइडिया नहीं यार, क्या करें, 50,000 या 1,00,000 क्या आएगा, एटलीस्ट 10 ईयर्स, एक्सटेंडेबल अप टू 20 ईयर्स एंड फाइन ऑफ एटलीस्ट 1,00,000, मे बी आई थिंक 1,00,000। सो देखते हैं क्या रहता है और क्या अंडर द अंत्योदय अन्न योजना। अप टू व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस एंड व्हीट कैन बी परचेज्ड एट अ सब्सिडाइज्ड प्राइस, 25 kg आई थिंक, आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली श्योर, पर चलो लगा देते हैं। ऑन विच डेट वॉज इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 लॉन्च्ड, ये दिक्कत है यार, ये दिक्कत है, 15 अगस्त लगाएं। Historians believe that most of the Kushan rulers who started calling themselves Devaputra or sons of God were possibly inspired by the emperors of Dash culture. Chinese, Greek, Roman, Sri Lankan, Greek, Kushan जो थे वो Indo-Greek मतलब Greek culture से थोड़े से influence थे, इसलिए Gandhar School of Arts से जो है वो उन्होंने उस तरह की बुद्ध की मूर्ति बनानी शुरू करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग होली साइट्स ऑफ बुद्धिज्म बिकेम यूनेस्को 2002 में, आई थिंक दमेक बने थे ना, दमेक। सो नेक्स्ट, मैं दमेक पे गया हुआ हूँ, फोटोज हैं। सेडल पीक नॉर्थ अंडमान का शायद है ना, एक चार यही आएगा, एक चार आई थिंक यही आएगा। चलो फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, आई थिंक ग्रीन रिवॉल्यूशन रहा था 60 से 70 फर्स्ट फेज है ना, आई थिंक यही था। वन सेकेंड यार, चलो लगाते हैं और क्या, लाला हरदयाल गदर पार्टी 1913। इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं, लेकिन चलो 13 लगाते हैं। किशोरी अमोनकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वोकलिस्ट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, एसोसिएटेड विद कौन सा घराना, अमोनकर आगरा, जयपुर, मैहार, ग्वालियर। सो मे बी ग्वालियर, मे बी मैहार, जयपुर आगरा से तो मुझे नहीं लगते, ठीक है। अमोनकर नाम से मेरे को लग रहा है महाराष्ट्रियन है, ठीक है। सो मे बी ग्वालियर, मे बी मैहार का मेरे को नहीं पता मैहार कहाँ पे है। सो मैहर ग्वालियर, चलो मैहर ही लगाते हैं और क्या। लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड, ये पूछा गया है यार, ये मेरे को ध्यान नहीं, शायद परेड द कैसीनो बीच, पेड्रे आइलैंड, टेक्सस, नेवेलीरो बीच पहला, चलो जो भी है लगाते पहले ब्राजील को। इन विच मंथ द फेस्टिवल ऑफ लोहड़ी होता है, कब, जनवरी में होता है ना, मकर संक्रांति से पहले होता है लोहड़ी, ठीक है। Which of the following is an example of joint sector industry in India? Joint sector, Bhel, Sail, Oil India Limited, या फिर Tesco? Joint sector, Oil India Limited तो नहीं। I'm not very. नहीं, एक मिनट रुक जाए यार, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें मुझे कोई आइडिया नहीं।
पर मेरा तुक्का मारने का मन कर रहा है। चलो छोड़ देते हैं इसको। रिगार्डेड एज फादर ऑफ कवाली, कवाली अमीर खुसरो हैं। रिकेट्स होता विटामिन डी की वजह से। विदेशिया, विदेशिया गाया जाता कहाँ पे? अच्छा फ्रॉम कुतुबपुर उत्तर प्रदेश। पीपल यूज टू लीव द विलेज एंड गो टू सिटी वर टेकन वर नोन एज विदेशिया। वन सच पर्सन वॉज ओके। कौन ऐसे थे जो चले गए फिर नहीं आए? भिखारी ठाकुर ये बिहार से थे। आचार्य देवव्रत, भीमसेन या फिर बहादुर? आई थिंक आचार्य देवव्रत के साथ हम जाएंगे। मे बी हो सकते राइट आंसर। विटामिन ए नाइट ब्राइटनेस वन का भी है, वन का भी ठीक है। बी से बेरी बेरी ठीक है। थर्ड का डी स्कॉर्वी ओके। चलते हैं फिर। फेमस योग गुरु स्वामी रामदेव, रामदेव का है माई लाइफ माई मिशन। नॉट अ फीचर ऑफ मनी, मनी का क्या फीचर नहीं है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, पेरिशेबल, कन्वीनियंट, यूनिट ऑफ अकाउंट, लिक्विड एसेट, तरल संपत्ति, विकारी है। आई थिंक ये होगा ना विकारी है, पेरिशेबल है ना। कन्वीनियंट यूनिट ठीक है। पेरिशेबल कोई वो नहीं है, पेरिशेबल कोई फीचर नहीं है ठीक है। सो लेट्स गो। इंडो ग्रीक किंग्स रूल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ एंशियंट इंडिया? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ठीक है ना। मैग्नीशियम प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? साइटोक्रोम, एटीपी, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है क्या? हीमोग्लोबिन में तो आयरन होता है आई थिंक। क्लोरोफिल में होता होगा मैग्नीशियम आई थिंक। सो लेट्स गो। गाइटर, गाइटर होता है आयोडीन की कमी से। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड इब्न बतूता एज काजी ऑफ दिल्ली? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ठीक है। जाइगोमॉर्फिक मीनिंग ऑफ फ्लावर कैन पुट कैन बी कट इन टू टू इक्वल हाफ्स ओनली थ्रू अ रेडियस, बाइसेक्सुअल एंड कंप्लीट। एंड हूज सेलिक्स कंसिस्ट ऑफ फाइव सेपल्स? अरे यार ये बड़ा गड़बड़ है, बहुत गहरी बायोलॉजी पूछ लेते हैं लोग। नहीं पता मेरे को। तुक्का मारे, तुक्का मारे, तुक्का तुक्का मारते हैं चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस, टू एनैक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, सोनिटी वगैरह। आई थिंक टू एनैक्ट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ना कि एक फंडामेंटल ड्यूटी ठीक है। एज पर न्यूज रिपोर्ट इन फेब्रुअरी 2022 सिटी विल बी होम टू द वर्ल्ड्स कंट्रीज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क विच टेक केयर ऑफ राइजिंग ई वेस्ट। कौन सा हो सकता है, बेंगलुरु या मुंबई? मुंबई तो नहीं, बेंगलुरु मेरे को लगता है। वैसे बेंगलुरु में निकलता इतना यार, उन्होंने कहाँ बनाया होगा या बनाया है? सो मे बी हो सकता है। लेट्स गो विद बेंगलुरु। नॉट द करेक्ट मैच, लाइसोसोम, क्रिस्टियन डी ट्यू, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अल्टमैन। मेरे को इसका नहीं पता लेकिन लाइसोसोम लगाते हैं चलो। विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज प्रभात फेरी? प्रभात फेरी गुरुपूर्व ठीक है ना। प्रभात फेरी सुबह उठ के 4 बजे चक्कर लगाया जाता है गांव में। एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप वन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कौन सा नहीं करता है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रेडियम नहीं करता है ठीक है। वेन वॉज द खजुराहो डांस फेस्टिवल स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलेबोरेशन विद मध्य प्रदेश कला परिषद? इसका भी नहीं पता यार, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। धम्म महामत्त वुड बी टेकन बाय द एम्परर? नहीं, धम्म यात्रा, अच्छा धम्म यात्रा वुड बी टेकन बाय द एम्परर ओके। धम्म यात्रा कौन से वाले में है?
मेरे को कोई आइडिया नहीं है ना। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सोर ऑफ बंगाल बोलते हैं दामोदर नदी को। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 सिटीज ऑफ ओडिशा भुवनेश्वर में है एंड अच्छा किस किस में है, ठीक है, भुवनेश्वर एंड कटक में, भुवनेश्वर एंड पुरी में है ना, या भुवनेश्वर या राउरकेला, आई थिंक ये दो होंगी यार, और तो क्या। अली अकबर खान ग्लोबल रेनाउंड म्यूजिशियन फेमस फॉर प्लेइंग क्या, कौन सा, इन्विटेशन ऑफ वायलिनिस्ट, यहूदी मेनुहिन, ओके, संतूर सुरबहार सरोद सितार, सुरबहार में भी रजिस्टर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ इन लिटरेसी रेट 2001 से 2011, हाईएस्ट ग्रोथ, ग्रोथ तो पंजाब ने करी हो शायद। सो नेक्स्ट, या फिर बिहार, बिहार या फिर पंजाब, चलो चलते हैं। विच पोर्ट इज सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ जुआरी एस्चुरी, मार्मोगोवा हो सकता है ना, जवाहरलाल नेहरू तो है क्या नाम, मुंबई में हल्दिया है, पश्चिम बंगाल में न्यू मैंगलोर, कर्नाटका, सो मार्मोगोवा हो सकता है, गोवा में, गोवा में ये चलती है। पिक्यूलियर कैरेक्टर ऑफ एल ऑल क्रोमेटिक मिनरल्स, ओके, कलर ड्यू टू इम्प्योरिटीज, नेचुरली कलर मिनरल्स विदाउट एनी इम्प्योरिटीज, नेचुरली कलरलेस, एलो, एलो क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, अपरवर्णी, अपरवर्णी है ना, अपरवर्णी का मतलब क्या होता है, अपर, अपर 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 का मतलब क्या होता है यार, हेलो क्रोमेटिक, आई थिंक नेचुरली कलर्ड है या फिर हेलो क्रोमेटिक या नेचुरली कलरलेस है, ये देखना पड़ेगा यार। चलो इस पे लगाते फिलहाल, तो नेक्स्ट चलते हैं। देर इज अ मेंशन ऑफ द टर्म आयस इन ऋग्वेद, रेफरिंग टू, रेफरिंग टू क्या, आयस क्या होता है, मेटल होता है शायद, है ना, आयस, आयस मेटल होता है क्या। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द नेशनल फिल्म अवार्ड इन बेस्ट कोरियोग्राफी कैटेगरी फॉर द फिल्म बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी, बेस्ट कोरियोग्राफर रेमो डिसूज़ा तो शायद नहीं है, सुदेश अदाना या फिर ज्योति डी तोमर हो सकती है, गणेश आचार्य भी शायद नहीं है, ठीक है ना, ज्योति तोमर या सुदेश अदाना हो सकती है, सो आई एम गोइंग विद ज्योति, बाद में देखेंगे। टेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलरली रेफर टू एंटी डिफेक्शन लॉ 52 मई में आया था, है ना, 52 में, 1970 आई थिंक 73 में था, है ना, ओके, सेक्रेटरी एलएनडी कंप्लीटेड टेन्योर चेयर एज द चेयर ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरे को नहीं पता भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन द हिंदू मंथ ऑफ फाल्गुन, होली, होली होती है फागुन में। Founded the Home Rule League in Madras. Madras में एनिवेशन थी शायद, है ना यार, बाल गंगाधर तिलक, तिलक शायद मुंबई में थे, मद्रास में बेसेंट थी। चलो, फर्स्ट एशियन गेम्स वो हेल्ड एट नई दिल्ली 1951। फेमस हिंदी नॉवल सुनी घाटी का, सुनी घाटी का सूरज, रिटन बाय सुनी घाटी का सूरज, श्रीलाल शुक्ल तो नहीं शायद है, विष्णु प्रभाकर में भी, केदारनाथ सिंह में भी, माधवी वर्मा में भी, श्रीलाल शुक्ल की तो फेमस है राग दरबारी, मेरे सिलेबस में है यूपीएससी के, मैं तो पढ़ूंगा उसको। केदारनाथ सिंह सोनी घाटी का सूरज,
केदारनाथ सिंह वैसे तो कवि थे, ठीक है, काफी शानदार कवि थे। विष्णु प्रभाकर में भी और माधवी वर्मा में भी, इन दोनों में से एक हो सकता है। सो मैं विष्णु प्रभाकर के साथ जाऊंगा। विच इंडियन फिजिसिस्ट, ठीक है, इंट्रोड्यूस स्टैटिस्टिकल मेथड इन 1924? तो सत्येंद्रनाथ बोस थे, फोटॉन्स, जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं ना, और बोसोन बोलते हैं, ठीक है, उनके ही उनके नाम था एस एन बोस। नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस्केप वेलोसिटी इन आर सोलर सिस्टम, जुपिटर हैज़ द हाईएस्ट एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ। एस्केप वेलोसिटी इतना इतना, डिपेंड मास एंड रेडियस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, वीनस हैज़ द लोवेस्ट। आई थिंक जुपिटर का गलत हो गया यार, हमारे सोलर सिस्टम में सन की एस्केप वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि उसका मास सबसे ज़्यादा है। ओके, अब आ गया क्या रीजनिंग। सो टाइम हो चुका है 1 घंटा कंप्लीट, और देखेंगे अभी थोड़े टाइम में इसको ख़त्म करेंगे। 23, 24, 25, 26, 1, यानी कि ए आना चाहिए, ठीक है। रजत इस तरह लिखा जाता है, नीरज इस तरह लिखा जाता है, मुकुल को कैसे लिखेंगे? सो पहले नीरज को देख लेते हैं। 14, 3, 17, 9 और 2, 11, 18, 3, 21, 1 और 2, ठीक है, 1, 1, ओके, 10, 3, 13, ठीक है। सो इसने क्या कर रखा है, इसने कर रखा है कि कॉन्सोनेंट को +3 कर रहा है, वोवल को +2 कर रहा है। सो 13, 3, 16, यानी कि पी, और 21, 2, 23, पी डब्ल्यू एन डब्ल्यू, ठीक है, PWNWO, ठीक है। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, यहाँ पे 1, 2, 3 खाने हैं, ठीक है, 1, 2, 3, ये आ सकता है ना, ठीक है, और कुछ है क्या? बस यही आएगा। रीजनिंग तो आसान है, इसमें कुछ नहीं, इंटरचेंज करना है ताकि क्या हो जाए, ताकि ठीक बैठे सिचुएशन। हम करेंगे गुणा को और प्लस को चेंज पहले, तो 33/7 +50 और बटे में 11, और गुणा को कर रखा है ना +1 × 3 = 8, ठीक है। ये हो गया कितना, 5, 5 × 55, 55 = 11, यानी कि 5, 5 + 3 = 8, ठीक है, आंसर हमारा आ चुका है। देखो अभी नेक्स्ट, ए लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सी, ए लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सी, यानी कि ए यहाँ पे है, ये सी है, बी इज टू द ईस्ट ऑफ ए, टू द ईस्ट ऑफ ए, ओके, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू, ए इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सी एंड नॉर्थ ऑफ डी, नॉर्थ ऑफ डी यानी कि डी यहाँ पे है। वट इज द पोजिशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी साउथ वेस्ट में होगा ना, ठीक है। सो नेक्स्ट, 9, 7, 189, ठीक है, 189, नीम 81 और 37, 49, ये तो नहीं होगा। आएगा 9, 7, 16 और यहाँ पे 200, क्या हो सकता है यार इसमें, इसको बाद में देखते हैं ना। चलो, पैसेंजर बस, एस्ट्रोनॉट होटल बलून, पायलट शिप, पायलट एयरक्राफ्ट, एस्ट्रोनॉट एयरक्राफ्ट, पैसेंजर बस में बैठते हैं, पायलट एयरक्राफ्ट में बैठता है ना।
या एस्ट्रोनॉट एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट में तो उसको तो स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं ना, पायरेट शिप में बैठता है। ऐसा कुछ भी है क्या पायलट? पायलट एयरक्राफ्ट में बैठा है, पायरेट शिप में। सो पायलट, एक मिनट, पानी के जहाज वाले बंदे को क्या बोलते हैं? पायलट तो एयरक्राफ्ट नहीं होता शायद। नहीं, वो पायलट नहीं होता है ना, वो कुछ और होता है। क्या बोलते हैं उसको? इसका आंसर होगा या तो, यार ये तो पायलट हो सकता है या फिर पायरेट हो सकता है। मुझे नहीं लगता इसका कोई और आंसर होगा। चलो ब्लीज्ड, ब्लीज्ड है ना, ब्ली एस डब्ल्यू डी बी एल डब्ल्यू। नहीं भाई, हाँ बी एल डब्ल्यू ई, ब्लीज्ड बी एल डब्ल्यू ई डब्ल एस ई डी बी एल डब्ल्यू डब्ल एस ई डी। ठीक है, सो बी एल डब्ल्यू डबल एस ई डी बी एल ई ई एस एस ई डी बी एल ई डी। ठीक है, एल एस बी ई एस, एल एस बी ई एस। ठीक है, हाउ मैनी ट्राइंगल्स देयर इन द फिगर? ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 13 14 15 16 17 18 19 20 21। बीस इक्कीस, ओके 22 23। एक मिनट यार। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है मेरे ख्याल से, है ना। ओके 24 है, सो लेट्स गो विद दैट। ओके अब करते हैं 56 प्लस, है ना, 56 प्लस 102 सी माइनस 30 डिवाइड बाय 6 गुणा में 7, 5 सदे 35, 56 में तो 35 गए, 21 प्लस 102 यानी कि 123 आंसर आएगा। सो नेक्स्ट, ओके चार तिया 12 5 60 5 3 15 6 90 7 3 21 84 9 3 27 गलत है, 11 3 33 6 गलत है, 3 3 9 6 ये भी गलत है, यही आएगा साइंस। ठीक है, 52 26 2 12 है ना, 13 इक्वल टू 38 है, माइनस 5 गुणा 5 प्लस 0 55 25 38 में लगाए 13, यही आएगा। ओके, सनी ड्राइव्स 3 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से 3 किलोमीटर वेस्ट में जाता है। ठीक है, टेक अ राइट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर अगेन टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। ठीक है, फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। ओके 6 दिन हो गया, हाउ फार इज ही,
हाउ फार एंड फॉरवर्ड विच डायरेक्शन टूवर्ड्स इट ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन. इसको आना पड़ेगा साउथ में 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर साउथ आना पड़ेगा. ओके नदर वन रिटन एज नदर वन, कैसे कर दिया ये एन ओ आर, ठीक है ई एच टी, ठीक है आर एन, आर एन ऐसा कैसा रखा, ओपोनेंट एन टी ऐसा कैसा रखा, बाकी पलट दिया. ठीक है ऑर्गेनाइज को करेंगे फिर जी आर ओ, जी आर ओ आई एन ए जेड ई, जी आर ओ आई एन ए जेड ई, ठीक है आई एन ए आई एन ए, ठीक है ये इधर आके खाली, नीचे आएगा भरा हुआ, फिर इधर आएगा खाली 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 खाली, यही आएगा फिर तो. ये था पलट गया, फिर ही पलट गया, फिर सीधा हो जाएगा, ठीक है. फिर गोला यहाँ पे था, यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर कोने पे आएगा ऊपर, ठीक है यही है फिर तो. 12 16 8, 12 16 8 कैसे भाई, ये कुछ जचा नहीं यार. बीस में 16 4 2 8 और 10 16 चौका 64 8 2 16 बढ़ गया 80, 20 चौका 80 है ना, ठीक है 10 चौका 40 नहीं यार ये कुछ कुछ अलग है ये. बीस तीस है नहीं, 20 2 40 16 8 24 और 16 6 64 2 3 4 2 3 10 20 12 3 36 56 हो गए, 13 6 52 ये भी नहीं होगा, ये कुछ कुछ और ही सिस्टम है. चलो इसको रिव्यू करते हैं, मतलब बाद में करेंगे. सम कर्टन्स आर पिलोज, सम कर्टन्स और पिलोज, नो पिलो इज अ बेड शीट, बेड शीट सम कर्टन्स आर बेड शीट्स, ओके नो कर्टन इज अ बेड शीट, गलत है. नो पिलो इज अ कर्टन, ये भी गलत है. सम बेड शीट्स आर कर्टन्स, ठीक है. सम पिलोज आर कर्टन्स, ठीक है. थर्ड और फोर्थ जो है वो ठीक है. ओके अठारह 4 22
ठीक है, 1 3 4। अब है 23 है ना, 19, 19 जोड़ दिया, या फिर इसका उल्टा मान लिया। ठीक है, एम एन का उल्टा है तो यहाँ यही आएगा फिर तो वी। चालीस 26, 20 का अंतर है, यहाँ 9 का अंतर है, क्या होगा यार? ओके 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 ओके, 12 दूनी 24, 12 3 15, 23 दूनी 40, 23 3 26 है, तो 16 दूनी 32 है, 13 3 16, तो 13 होना चाहिए ना यहाँ पे। नहीं, 13 नहीं, 16 3 19 होना चाहिए। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 3 19, ठीक है, क्या हुआ? ओके, कौन सा इंटरचेंज करना है ये देखना अभी। सो आई थिंक 9 ठीक है, 63 भी ठीक है आई थिंक, है ना? 9 2 18 नहीं कटेगा, यही ठीक है। सो 63/9 यानी कि 7, 7 प्लस 15 अगर वहाँ ले लिया मैंने तो 15 1 15 15 15, ठीक है 15 करते हैं फिर, 11 17 और 15 को, है ना? 7 प्लस में 15, 15 7 22, 22/11 यानी कि 2 इक्वल टू 17 माइनस 195/15 प्लस माइनस में 2, 15 1 15 4 15 45 माइनस एंड माइनस, ठीक है, तो ये हो गया 15 माइनस 17 2, ठीक है 17 और 15 होगा फिर तो। 40A4 140 प्लस में 4 गुणा में 2 इक्वल टू 73 गुणा में x प्लस में 8, कुछ सी डी वगैरह कुछ आया ही नहीं है इसमें तो, चलो जो भी है, 4 दुनिया 8 है, 140 8 154 है, 154 है ना? ओके, 8 से 8 काट देते हैं तो 140/73 यानी कि 2 आएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है, +3 +9 +27 है ना, 6 7 13, 7 और 2 9 10, ठीक है, अब आएगा +81, 81 384, ठीक है 184। ओल्ड डेट्स आर कैशूज, ओल्ड डेट्स आर कैशूज, ऑल कैशूज आर रेजिन्स, सम रेजिन्स आर आमंड्स, ऑल आमंड्स बीइंग डेट्स, आमंड्स ठीक है, सम रेजिन्स आर आमंड्स, ऑल आमंड्स बीइंग डेट्स इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है भाई हो सकता है, ऑल डेट्स आर रीजन्स, ठीक है, नो कैशू इज एन आमंड, गलत है, गलत है भाई गलत है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो करेगा। नेक्स्ट, पॉइंटिंग एट अ मैन नीता सेड, ही इज माई सन्स सिस्टर्स फादर्स मदर्स हस्बैंड, ही इज माई सन्स सिस्टर्स फादर, मेरे बेटे की बहन का बाप यानी कि मेरा पति की मदर यानी कि मेरी सास के हस्बैंड हैं, मेरे ससुरे हैं, तो क्या लगा? फादर इन लॉ लगा, ठीक है। ओके, सो 12 9 4
12 9 4 9 6 यार ये क्या दे रखा है इन्होंने, +5 +3 +3 +9 कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है पंगा इनका। ओके 9 चौका 36 12 3 36 9 6 54 18 3 54 ठीक है 3 पे होगा 16 3 48 12 चौक 48 होता है तो बारह तो 120 है और 20 3 60 ही होता है। दस सत्ते 70 14 5 70 ओके ओके ये आएगा और ये इसलिए आएगा क्योंकि 9 चौक 36 है और 12 को अगर 4 से डिवाइड करें 3 आएगा यानी 12 3 36 6 को 18 से डिवाइड करें 3 आएगा तो 12 को अगर 3 से डिवाइड करें 4 आएगा यानी 12 चौक 48। सो मे बी एक काम करेगा ठीक है, एडवर्टीजमेंट रेडियो टीवी एडवर्टीजमेंट ये होता होगा। कोडिंग जावास्क्रिप्ट फोरट्रॉन, जावास्क्रिप्ट एंड फोरट्रॉन लैंग्वेजेस हैं और कोडिंग जो है वो लैंग्वेजेस से की जाती है। ठीक है ना, आई थिंक होना तो यही चाहिए कोडिंग। ओके शायद यही होगा मेरे ख्याल से, तो ए रेशो परसेंटेज, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज डॉटर ऑफ डी ठीक है, डी इज फादर ऑफ ई, ई इज डैश ऑफ सी, E is husband of C, ठीक है क्या बोला इसने, हाउ इज A रिलेटेड टू C, A जो है वो देवर या जेठ लगा हस्बैंड ब्रदर, उसके बाद ये आ गया, ये नीचे गया टेढ़ा हो गया है ना। फिर ये इधर आएगा कोने पे घूम के, इस तरह आएगा ठीक है।
यही आएगा आई गेस, यही आएगा। सो लेट्स गो नेक्स्ट पे। 40 53 68 +13 +15 +17 आना चाहिए ना, 8 7 15 85 और +19 ठीक है, यही आएगा। ओके, 7 पीपल सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ, एग्जैक्टली 3 पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू 1 2 3 ठीक है। आर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू आर यहाँ पे है। क्यू एंड वी आर इमीजिएट नेबर ऑफ आर, क्यू एंड वी सच दैट आर इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ यू। सो क्यू यहाँ पे है, क्यू एंड वी, वी यहाँ पे है, क्यू वी ठीक है, ये हो गए फिक्स। 1 2 3 और रह गए। पी एंड टी आर नॉट ऑक्यूपाइंग ईदर ऑफ द एंड सीट्स, पी एंड टी, सो पी या टी यहाँ पे बनेंगे। टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, यानी कि एस यहाँ पे बनेगा, टी यहाँ पे है एंड पी यहाँ पे आएगा ठीक है। इफ पी एंड क्यू स्वैप देयर सीट्स व्हाट विल बी द न्यू पोजिशन ऑफ क्यू, ओके सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, गलत है, सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, ये बढ़िया है ठीक है ना। मे इज कोटेड एज 6, मैट इज कोटेड एज 7, ओके हिम कैसे कोड करेंगे। कैसे करेंगे यार इसको, 13 1 25 ओके 13 20 5 1 3 4 5 9 2 11 गलत है ये। मे इज कोटेड एज 6, मैट इज कोटेड एज 7, हिम कोटेड एज 8, कैसे हुआ यार ये, नहीं है ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को। मैट इज कोडेड है 7, 13 20 5 14 25 39 ठीक है। क्या पंगा यार, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है इसमें सवाल में, कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 को 6 लिख दिया हो और ई को फिर सेकंड वोवल है 7 लिख दिया हो, आई जो वो थर्ड वोवल है उसको 8 लिख देंगे, ऐसा तो नहीं।
इसका मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या लिखेंगे इसको? तेरा तेरह गुणा एक गुणा वो भाई, यानी ये 25, 25 तेरह 375 हो गया, 325 हो गया। ठीक है, 6 का तो मल्टीपल है ही नहीं वो। आई डोंट रियली नो यार इसमें क्या आएगा। ये इसका उल्टा करूँ, उल्टा करता हूँ एक बार। 14 प्लस 26 प्लस 2, ठीक है, 14 2 16, 26 और 16 हो गया 42 बटा 6 7। ओके, मैट का उल्टा करते हैं, 14 प्लस 22 प्लस 7 है ना, 14 7 21 22 43, 4 2 6 4 3 7, ठीक है। 8, 8 का उल्टा क्या हो गया, 19 प्लस 9 का उल्टा हो गया कितना, 18 प्लस 14, 18 दूनी 36 और 37, 14 51, 1 और 5 6 होगा आंसर, ये होगा ना 32, 42 51। ठीक है, सो आई थिंक आई गॉट द आंसर। फर्स्ट ऑफ द वीक ऑन 10 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा? चलो फिर काउंट करते हैं। मेरी हालत तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, ठीक है, आंखों की, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, रात का टाइम वैसे है और मैं थक चुका हूँ काफ़ी। वट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन 2021? तो फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, 2004, फिर 8, फिर 12 16 20, ठीक है ना, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, प्लस में जनवरी के 3, फरवरी के 2, मार्च के 3, नहीं फरवरी का 0, मार्च के 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 10 अक्टूबर के, ठीक है, 25 दिन 28 ख़त्म हो गए। तो 3 और 5 3 8 2 10 3 13 13 8 3 16 2 18 10 28, यानी ये संडे ही आना चाहिए फिर तो। सो लेट्स गो, संडे के साथ चलेंगे। अब इसने बोला है कि इंग्लिश डिक्शनरी में जिस ऑर्डर में दिखाई देता है उस ऑर्डर में लगाना इनको। ओके, सो रिएक्शन, रीअरेंज, रीप, रीडर, रीजन। ओके, सो पहले आएगा 5, फिर आएगा 3, उसके बाद आएगा 5 3 एंड देन 2 एंड देन 4 एंड देन 6 एंड देन 1, ठीक है, 53 24 61, 53 24 61। ओके, सो लेट्स गो, ऑड वन आउट, ठीक है, 6 21, ये तो उल्टे हैं ना एक दूसरे के, जंगल क्वीन पी के एम ओ, ये उल्टा है, ये गड़बड़ है थोड़ा, जे क्यू के पी, ठीक है, वही गड़बड़ है, 4 7 10 16 7 10 16, 1 मिनट इसको ऐसा करना पड़ेगा यार, क्या बोला इसने, सात दस सोलह
दस बीस तीस 25 25 के बाद ये हो गया 40 और 7 47 और ये हो गया 62 आई थिंक 62। अब कितना आएगा? ठीक है 3 6 9 10 20 और 2 22 इसमें 47 ही आता है क्या? 47 ही आता है आई थिंक। और फिर ये 10 5 15 ठीक है, यहाँ पे 12 आना चाहिए था ना। ये गलत आ रहा है यार, ये गलत आ रहा है। सैतालीस ये गलत आ रहा है, इधर 9 की जगह ये 22 आना, 22 आ गया, ये 12 आना चाहिए था। 3 6 9 12 15 ऐसा चलना चाहिए था। अब आएगा 18 18 यानी 80, 171 में 80 जोड़ दो, 1 7 8 15 251 ये आएगा। यहाँ पे ना क्या गलत है पता है? ये जो टर्म है ये किसके बाद 109 जो है ये थोड़ा गड़बड़ है इधर, 109 नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, 100 यहाँ पे 99 आना चाहिए था, 99 ठीक है तब ये ठीक रहता, ये थोड़ा मिस्टेक है नहीं इधर, इसके बाद में ये टर्म गलत है। चलो जो भी है 8 8 128 8 64 8 64 128 ठीक है, 64 2 128 ओके ठीक है ठीक है ठीक है। 8 8 16 16 8 6 8 8 1 8 6 12 ठीक है, 18 18 8 8 16 8 और ये बनेगा 18 निम्मा ठीक है, आधे से गुणा करना है ना, 9 7 16 16 8 128 यही होगा फिर तो, 9 8 17 ये तो नहीं, 8 8 से 14 यानी ये 7 से 14 से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, पहला ही बनेगा फिर तो। यहाँ पे एक बनेगा ठीक, फिर एक बनेगा ये ऐसे, फिर एक सीधी लाइन, यही होगा नेक्स्ट। ए इक्वल टू टी, ए इक्वल टू टी है ना, ए इक्वल टू टी नहीं बनेगा, ए लेस देन इक्वल टू टी बनेगा ठीक है, तो पहला गलत है। उसके बाद आर ग्रेटर देन एक्स, आर ग्रेटर देन एक्स बिल्कुल है, पहला ओनली सेकंड बनेगा ट्रू ओके। फ्लूट को लिख दिया एफ एल यू टी ई एस एस टी आर आई एन जी ठीक है, वायलिन को लिखेंगे वी आई ओ एल वी आई ओ एल आई एन वायलिन ठीक है ओके। 18 8 3 21 3 24 और 3 27 यानी कि 1 24 यानी कि एक्स आएगा ठीक है। अंटिल को लिखा जाता है ऐसे 20 13 19 8 11 ठीक है, एक एक कम कर दिया, लिमिट को लिखेंगे हम कितना 11 8 11 8 12 11 8 12 8 19 11 8 12 8 19 ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी 7 फ्रेंड हैं, सब डिफरेंट हाइट है, ए इज टॉलर देन सी बट शॉर्टर देन बी, ए इज टॉलर देन सी बट शॉर्टर देन बी ठीक है, सी इज टॉलर देन एफ बट शॉर्टर देन ए ठीक है, बी इज टॉलर देन ए बट शॉर्टर देन टू पर्सन
चार ये हो गए, दो यहाँ पे हो गए, ठीक है। डी इज टॉलर देन बी, ई इज नॉट द टॉलेस्ट, ई इज नॉट द टॉलेस्ट, यानी कि डी जो है वो टॉलेस्ट बनेगा और ई यहाँ पे आएगा एंड जी इज द शॉर्टेस्ट, जी यहाँ पे आएगा, हु इज द टॉलेस्ट, डी बनेगा टॉलेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन मार्क, कंप्लीट द पैटर्न, ये वाला यहाँ पे इसका मतलब खाली आएगा, है ना, खाली पैटर्न आएगा, नहीं नहीं खाली नहीं आएगा, खाली नहीं आएगा, भरा हुआ आएगा और ये वाला आना चाहिए, ठीक है। ये वाला आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये करना है, मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई देखो, सबसे पहले तो ताजमहल है, ताजमहल इंडिया, गलत हो गया ये तो, सबसे पहले आएगा तीन एशिया, फिर इंडिया, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आगरा एंड देन ताजमहल, ये वाला, ठीक है। चल इंटरचेंज करना है हमको कौन कौन सा, ठीक है। चार और दो को कर सकते हैं वैसे, 36/4, 9, 9×5 45 है, -15 गुणा में 2 इक्वल टू 20 है, -260 डिवाइड बाई 5 × 15 = 4, 19 है ना, ठीक है। 19 × 19 = 7 नहीं करता ये तो, इसका मतलब इससे तो काम नहीं चलेगा, कंधा दुख गया यार मेरा। 3 × 5 = 3×15 = 17, 17 × 17 = 9, 0 ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं होगा, 5×15 = 17 काट तो ये रहा नहीं है, फिर क्या 2 × 3 = 13, हाँ ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, 36/3 गुणा में 5 माइनस में 15 गुणा में 4 इक्वल टू 20 माइनस ये बनेगा 5 × 2 = 10, 3 × 13 ये कटेगा 20 आएगा, 20 − 20 = 0, 0 आना चाहिए, ये 12×5 = 60, 15×4 = 60, ठीक है। ये बनेगा 11×4 = 1, 2, 3, अच्छा 15, 16, 17 आएगा, ठीक है। Some vehicles are helicopters, ठीक है। All helicopters are cars, all vehicles are cars, गलत है, some vehicles are cars, ठीक है। नहीं या तो पहला होगा या दूसरा होगा, फिर और क्या है ना, all vehicles are cars भी तो हो सकता है ना, और some vehicles are cars ये भी हो सकता है, या तो ऑल होंगे या सम होंगे, लेकिन एक ना एक तो ट्रू होगा ही, सो ठीक है। फिर 8 people sitting in 2 parallel rows with 4 people each, ठीक है, फेसिंग साउथ फेसिंग नॉर्थ, ओके, बी सी डी ई यहाँ पे हैं, एच आई जे के यहाँ पे हैं, ठीक है। C sits at the extreme left end of their row. Extreme end, यानी कि यहाँ पे C बैठा है. And is exactly opposite I. यहाँ पे I है. H sits to the immediate left of I. यहाँ पे H बैठा है. K sits to the extreme left end of their row. यहाँ पे K बैठा है. यहाँ पे बैठेगा J. ठीक है. एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट डी, ठीक है, ये डी के इधर है. बी सिट्स बिटवीन डी एंड ई, डी एंड ई यहाँ पे है, बी यहाँ पे है. हु सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट एच, ई बैठेगा. उसके बाद नेक्स्ट 8, 49, 12 - 1
माइनस एक 16 15 225 आएगा, माइनस वन का क्यूब है, ठीक है, क्यूब कहूँ स्क्वायर है। अब हमने क्वेश्चन छोड़े हैं कितना, एक दो क्वेश्चन, दो छोड़े गए, दो क्वेश्चन छोड़े हैं, इनको करते हैं एक बार, दोनों के दोनों सेम है शायद, है ना। हाँ पहले इसको करते हैं, शायद ये हो जाए तो, टाइम हमारे पास अभी है काफ़ी है। 9 7 13 12 156 होता है, ठीक है, 9 3 27 थे, 7 3 49 और 2 3 14 4 18 ओके हो गया है तो सॉल्व हो गया, अभी हो गया आसान, ठीक है। देखो ऐसा है, 4 3 12 12 × 13 156 होता है, मेरे को ये दिखाई दे गया, फिर मैंने 9 को 3 से गुणा किया, 9 3 27 27 7 189, ठीक है, तो 5 3 15 निमा नहीं होता, 6 3 18 निमा 162 होता है, 8 3 24 5 125 नहीं होता, 7 3 21 8 1 8 8 2 8 16 168 होता है, लेकिन यहाँ पे 162 आएगा। अभी ये करना है हमको, ठीक है, इसको भी करते हैं फिर, देखो अभी इसको कैसे करूँ, बारह तीन 36 माइनस 10 13 2 26 8 4 24 माइनस 20 4 ओके 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 12 20 8 28 है, 16 12 28 है, 16 12 28 यानी कि 16 माइनस 4 12, ठीक है ना, प्लस में 16, या फिर मैं ये कर लूँ, 16 2 32 है, 20 8 28 है, 32 माइनस 4 इक्वल टू 28, ऐसे ही 13 2 26 है और 10 और 12 22, ठीक है, माइनस 4 करके फिर 22 आता है, ठीक है, ऐसा करते हैं फिर, 32 और 18 हो गया ये कितना 50 है, 27 2 54 यही आएगा फिर तो, 13 13 26 32 ये भी नहीं है, 18 2 36 है, 16 और 14 30 हो गया ये भी नहीं, 18 2 36 है, 19 21 40 लेकिन ये तो कम पड़ता है, हमको चाहिए ज़्यादा, 27 2 54 है, 32 18 50 यही होता है, आई थिंक यही होगा, और कोई सवाल नहीं बचाना, सबमिट टेस्ट करते हैं। तो देखो यार टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, ठीक है 12 मिनट ही बचे हैं टेस्ट को, देख लो एक बार इधर जरा, 5 क्वेश्चन जीके में छोड़े हैं बस, और कुछ नहीं छोड़ा हमने, सो सबमिट करते हैं। ये मेरा चौथा जो है वो क्या बोलते हैं स्टेनोग्राफर का टेस्ट है, और मैंने फॉर्म नहीं भरा है, ना ही मैंने कभी तैयारी की इस चीज़ की, ठीक है, मैंने बस ऐसे ही सब्सक्राइबर्स के कहने पे इसको अटेम्प्ट करके देखा था, एंड आई एम डूइंग द सेम दिस टाइम ऑल्सो। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं इनकम टैक्स स्टेनोग्राफर के नाम से, एंड एक और हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, प्रियंका परेद्वाल, सो उन दोनों के काम आ सकता है ये टेस्ट, सो लेट्स सी कितना स्कोर हुआ है। इंग्लिश में काफ़ी गलतियां होने की उम्मीद है, क्योंकि भयंकर वाली इंग्लिश दी गई थी, ठीक है, अच्छी खासी इंग्लिश थी भाई, सो लेट्स सी, ओके फिर भी मैं 140 के आसपास तो मान ही रहा हूँ, ओके ये तो पहले जैसा ही आ गया, पहले जैसा ही आ गया तो ओके। इंग्लिश में इसमें क्या नाम है, जीके में थोड़ा कम रहा है, 23.75 का स्कोर, ठीक है, तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं बन पाई, ठीक है, जीके में अगर हो जाता तो कोई 33 34 नंबर जैसा कुछ तो कम बन जाता, चलो इंग्लिश में एक अच्छा खासा रहा है, ठीक है, 89 क्वेश्चन सही हुए हैं, 86.25 एंड इसमें जो है वो
97 यानी कि 47 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए मेरे, ठीक है, रीजनिंग में। तो कोई बात नहीं, परसेंटाइल काफ़ी हाई है 98.85 की, एंड 156.25 का स्कोर है 200 में से, 82 रैंक आई है 7000 में से। सो इट वॉज ऑल अ नाइस थिंग। सो इनकम टैक्स स्टेनोग्राफर भाई, तुम्हारी रिक्वेस्ट पे मैंने कर दिया काम, ठीक है। अभी मेरे को सीजल के लिए प्रिपेयर कर लेने देना, ठीक है, कमेंट मत करना। सो बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है मेरे स्कोर्स के ऊपर, कि मेरा जो है अब तक का वो स्कोर क्या है मॉक टेस्ट में। सो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।